हेलो एवरीवन, माइंस वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत पौधे से मिलेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो प्लांट है हमारा, ये है बोस्टन फर्न और ये एक बहुत ही सुंदर साल भर हरा भरा रहने वाला पौधा है और बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये आउटडोर इंडोर दोनों जगह बहुत ही आराम से रह लेता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें ये पौधा कहाँ पे रखना है। ये जो पौधा है, इसे आप अपने घर के अंदर, पोर्च के नीचे, अपने कमरे में, किचन में, बालकनी में, यहाँ तक कि आप इसे अपने बाथरूम में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये एक नमी पसंद पौधा है तो ये बाथरूम में भी बहुत आसानी से लग जाता है। और आप इसे चाहें तो हैंगिंग में भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे आप पॉट में भी लगा सकते हैं। तो जब आप इसे पॉट में लगाएं तो कुछ इस तरह के पॉट में लगाएं कि ये जो इसकी पत्तियां हैं, ये इस तरह से ऊपर को आकर ऐसे नीचे की तरफ फव्वारे की तरह आती हैं। तो किसी ऐसे पॉट में लगाएं जो थोड़ा सा ऊँचा हो, तो फिर ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो हमने इसे रखना कहाँ पर है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक नमी पसंद पौधा है, तो इसको आपने किसी छायादार जगह में रखना है, लेकिन इसके ऊपर सुबह सुबह की 5-6 घंटे की धूप भी पड़नी चाहिए। अगर आप इसे बिल्कुल ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आती है, तो वहाँ पर ये पौधा जो है इतना अच्छा ग्रीन जो है ये नहीं होगा। अगर आप इसे 5-6 घंटे की सुबह की लाइट और छाया दोनों अगर इस पौधे को मिलेगा, तो ये जो पौधा है इसका हरा रंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निखर के आएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि कितना प्यारा ग्रीन कलर है इसका, तो ये इस वजह से है क्योंकि इसमें धूप और छाया दोनों ही बराबर मात्रा में इसको मिल रही है। इस वजह से ये जो फर्न है ये इतना खूबसूरत और घना और इतना हरा भरा हो रखा है। तो आपने इसको किसी ऐसी जगह पर रखना है जो छायादार हो, लेकिन साथ साथ सुबह के इसमें 5-6 घंटे की धूप भी पड़ जाए। आपने इसको किसी ऐसी जगह पर नहीं रखना है जहाँ पर इसके ऊपर तेज धूप की सीधी किरणें जो हैं इसके ऊपर पड़ती हो, ऐसी जगह पर नहीं रखना है। और गर्मी के दिनों में भी आपने इसको धूप से बचाना है, वरना इसकी जो पत्तियां हैं वो जलनी शुरू हो जाएंगी और फिर ये अपनी जो हरी भरी जो इसकी ये खूबसूरती है उसको ये खो देगा। अब बात कर लेते हैं कि इसको आपने पानी कैसे देना है। तो ये जो पौधा है ये एक नमी पसंद पौधा है, तो इसलिए आपने इसमें लगातार पानी देते रहना है और थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना है और समय समय पे आपने इसको स्प्रे भी करते रहना है। गर्मियों के दिनों में तो खासकर इसे स्प्रे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसकी पत्तियों में अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो ये इस तरह से हरा भरा बना रहेगा। और इसके गमले में जो है आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, गर्मियों में तो खासकर लगातार, और इसकी जो मिट्टी है उसको हमेशा नम बनाए रखें। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब आप इसमें नमी को बनाए रखने के लिए काम कर सकते हैं कि एक ट्रे ले लें और उस ट्रे में थोड़ा पानी डालें और छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं आप उनको उसमें रखें पानी में डुबोकर। और जो पत्थर हैं वो इस तरह से होने चाहिए पानी में कि वो थोड़े से पानी में भी हों और थोड़े से ऊपर को भी हों, बाहर मतलब पानी से बाहर भी हों। और उसके ऊपर आपने इस पौधे को गमले समेत रख देना है। उससे क्या होगा कि ये जो पौधा है वो धीरे धीरे नीचे से पत्थरों से थोड़ा थोड़ा पानी भी लेता रहेगा और इसमें जो है वो जड़ों के नीचे पानी जो है वो नमी भी देता रहेगा इसको। तो आप गर्मी के दिन में ये भी कर सकते हैं, या फिर आप एक गमला लें और उस गमले में जो मॉस ग्रास होती है उसकी एक लेयर चारों तरफ बिछा दें और फिर उस गमले में जो है आप इस प्लांट को डाल दें और साइडों से थोड़ा थोड़ा पानी देकर जो वो जो मॉस ग्रास है उसको गीला बना के रखें। तो आप इस तरह से भी गर्मियों में इस पौधे में नमी बरकरार रख सकते हैं।
कि जो बोस्टन फर्न है इसमें फूल या बीज इस तरह का कोई नहीं बनता है, तो हम जब इसे प्रोपगेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो इसका प्रोपगेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है कि जब आपका ये जो पौधा है ये गमले में बिल्कुल अच्छे से भर जाए, जैसे एक दो साल में जो है ये अगर आप इसको अच्छे से रखेंगे तो ये गमला जो है पूरा घना हो जाएगा, तो आप बरसात के दिनों में इसको गमले से बाहर निकाल कर इसको डिवाइड करके आधा आधा करके आप दो अलग अलग गमले में लगा देंगे तो भी ये पौधा जो है आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। या फिर ये अपनी नीचे जड़ों की जगह से देख रहे होंगे आप, ये यहाँ से भी एक छोटे छोटे से अपने जो पौधे हैं वो निकालता है, तो आप उनको भी निकाल कर दूसरे गमले में लगा सकते हैं। तो जैसे ये इसकी पत्तियाँ आ रही हैं, लेकिन यहीं से इसके छोटे छोटे प्लांट भी बनते हैं, तो आप उसको भी अलग करके लगा सकते हैं और इस तरह से आप एक और पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा जो प्लांट है ये तकरीबन एक साल पुराना पौधा है और बहुत ही सुंदर हरा भरा घना हो रखा है। तो ये जिस जगह पर मैंने इसे रखा है वहाँ पर धूप और रोशनी इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिल रही है, इस वजह से ये इतना घना और हरा भरा बन रखा है। इस पौधे की एक ख़ास बात ये है कि ये पौधा खूबसूरत होने के साथ साथ हवा को भी शुद्ध करता है। तो नासा ने एक लिस्ट बनाई है इंडोर प्लांट्स की जो हवा को शुद्ध करते हैं, तो उनमें इसका भी नाम है। ये भी उन्हीं पौधों में शामिल है जो हवा को शुद्ध करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें किस तरह की पॉटिंग मिक्स में इसे लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो पौधा है इसकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसे सादी मिट्टी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है उसमें भी लगा देंगे तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा और हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इसके लिए एक बढ़िया सी पॉटिंग मिक्स बनाना, तो उसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट और 20% कोई भी जैविक खाद आप मिट्टी में मिलाएं, तो इन तीनों का एक बढ़िया सा मिश्रण तैयार करके आप उस मिश्रण में इस पौधे को लगा सकते हैं। और महीने में आप इसमें जो है कोई भी अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी आप इसे दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी तो ये एक बहुत छोटे से पॉट में है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।